मंकी पॉक्स को लेकर भारत में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, भारत में अब मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है। ये केस भी केरल में ही दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश में अब मंकी पॉक्स के दो मामलों की पुष्टि हो चुकी है। दोनों ही मामले केरल में सामने आए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले भी केरल में मंकी पॉक्स का एक मामला मिला था। अब यहाँ मंकी पॉक्स के एक और मामले की पुष्टि राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कर दी है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि कुन्नूर में 31 साल के शख्स में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। उन्हें परियाराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल मरीज की हालत ठीक है। उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की निगरानी की जा रही है। केरल में आए मंकी पॉक्स के दोनों मामलों की बात करें तो दोनों ही मामलों का कनेक्शन विदेशों से जुड़ा हुआ है। जिस पहले मरीज में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी वो 12 जुलाई को यूएई से भारत लौटा था। उसके बाद उसे तेज बुखार और शरीर में तेज दर्द की शिकायत हुई थी। अब दूसरा मामला जो सामने आया है, ये शख्स भी दुबई से ही भारत लौटा है। लेकिन इस केस में हैरानी की बात ये है कि मरीज 2 महीने पहले दुबई से भारत लौटा था, लेकिन उसमें मंकी पॉक्स के लक्षण अब देखने को मिले हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि केरल में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हेल्प डेस्क शुरू कर दी गए हैं। वहीं अगर मंकी पॉक्स के लक्षणों की बात करें तो आपको बता दें कि इनके लक्षणों में संक्रमित मरीज को बुखार आता है, तेज सिर दर्द, सूजन और थकान की शिकायत रहती है। वहीं जानकारों की माने तो मंकी पॉक्स से ज्यादा डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना वायरस की तरह फैलता नहीं है, इसकी गंभीरता भी काफी कम बताई जाती है। इंडिया मेडिकल टास्क फोर्स से जुड़े केरल के एक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि मंकी पॉक्स तेजी से फैलने वाली बीमारी नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका और यूरोप में इस साल करीब 6,000 मामले मिले हैं, लेकिन इनमें से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। ऐसे में मंकी पॉक्स से ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।